Realme Narzo 50 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस फोन का प्राइस शुरू होता है 12,999 रुपए से। इस प्राइस में आपको MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर दिया गया है, साथ साथ 5000 mAh की बैटरी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि LCD डिस्प्ले के साथ आता है। ये स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन है, 5G नहीं है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये स्मार्टफोन कैसा है, क्या आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्मार्टफोन मैं लगभग एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, प्राइमरी डिवाइस रहा है मेरा, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं हूँ इमाम और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की और डिस्प्ले की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें पंच होल डिस्प्ले आपको दिया गया है जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है। वहीं इसमें 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। और मैं आपको सच बताऊं तो अगर आप तेज धूप में जाते हो या आउटडोर में आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो स्मार्टफोन को, तो थोड़ा सा आपको जो इसकी ब्राइटनेस है वो कम लगेगी। और बाकी ऐसे डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, डिस्प्ले इसका सही है, 90% के आसपास इसका जो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है। अगर आप गेम भी खेलते हो तो भी ये जो पाम एरिया है वो इसमें आपको टच नहीं होता है, मिस टचेस नहीं होते हैं, तो डिस्प्ले के वाइज ये सही है। वहीं अगर इसके आप डिज़ाइन पे आएँ तो पीछे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और ये जो आपको कैमरा सा दिख रहा है ये बेसिकली LED फ्लैश है। इसमें नीचे आपको 50 MP मैट्रिक्स AI कैमरा का ब्रांडिंग किया गया है और ये जो पैनल है ये केवलर टेक्सचर्स में इसको दिया गया है जो कि रेसिंग कार से इंस्पायर्ड है। नीचे आपको नार्ज़ो की ब्रांडिंग दिख जाती है। वहीं नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, 3.5 mm जैक है, स्पीकर का पोर्ट भी नीचे दिया गया है। साइड में यहाँ पे आपको जो पावर बटन दिख रहा है ये बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है। अभी कितना रिस्पॉन्सिव है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वहीं इसके लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन दिया गया है और ऊपर आपको सिम ट्रे दिया गया है। मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें मिल रहा है आपको। तो ये मैंने इसको खोल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें आप ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हो, प्लस जो आपकी मेमोरी है उसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो इसको, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं इसको लगा देता हूँ अंदर और सिम ट्रे को मैं साइड। तो अब मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इसका डिज़ाइन ठीक है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसके डिज़ाइन का वो ये है कि इसमें फिंगरप्रिंट के जो स्मजेज हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। शूट करने टाइम भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था हमें इसको शूट करने में, इसको बार बार साफ करना पड़ रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा सा एक मैं बोलूँ कि नेगेटिव पॉइंट है इसके डिज़ाइन में, बाकी एज सच कोई कमी नहीं है डिस्प्ले में। वैसे मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि आप फोन को कवर में यूज़ करते हो, केस लगाते हो, तो वो जो प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्मजेज और ये गंदा बहुत जल्दी होता है स्मार्टफोन। चलिए अब बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं इसमें 5000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 2 दिन तक ये स्मार्टफोन आराम से आपका साथ दे देगा और मैं आपको बता दूं वो भी जब आप गेम खेलोगे, इसमें कंटेंट कंज्यूम करोगे, कॉल्स अटेंड करोगे, जूम मीटिंग्स अटेंड करोगे, उसके बाद भी 2 दिन तक आराम से ये आपका साथ देने वाला है। वहीं अगर चार्जिंग स्पीड की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि 70 मिनट के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन मेरे यूज केस में इसने आराम से मतलब 90 मिनट्स के आसपास, मैं बोलूँ 80 मिनट्स के आसपास इसने लिया था फुल चार्ज होने में, जो कि मेरे हिसाब से सही है क्योंकि कंसिडरिंग द बजट ये 33 वॉट के चार्जर के साथ आ रहा है, 5000 mAh बैटरी मिल रहा है, तो बैटरी परफॉर्मेंस ओवरऑल इसका अच्छा है। तो अब अगर इसके वेट की बात करूँ तो ये 194 ग्राम्स का है जो कि 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद मैं बोलूँगा कि डिसेंट इनफ है। तो चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं इसमें MediaTek Helio G96 का चिपसेट दिया गया है जो कि काफ़ी पावरफुल है अपने सेगमेंट में। वहीं इसमें जो मेरे पास वेरिएंट आया है इसे 6 GB रैम वाला है जिसको कि आप वर्चुअली 5 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाता है। वहीं अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे एज सच मल्टीटास्किंग में कोई इशू देखने को नहीं मिला, प्लस फोन लैग नहीं करता है। और प्राइस सेगमेंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा अगर मैं इस पर थ्रो करता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फोन स्लो होता है, लेकिन उसको मैनेज कर लेता है। अब इतना भी आपको मैं बोलूँ कि जैसा एकदम फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में जो परफॉर्मेंस मिलता है वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ही मल्टीटास्किंग एक साथ करते हो तो फ़ोन थोड़ा चॉपी होता है, लेकिन उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। वहीं मैंने इसको आउटडोर भी यूज़ किया, बहुत तेज़ धूप में भी अगर मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू मुझे देखने को नहीं मिला, वहाँ पे भी इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छे से जो भी काम था उसको मैनेज कर लिया था। मैं सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही मैं सर्फ कर रहा था नेट पे भी, तो भी फ़ोन वहाँ पे भी हीट नहीं हुआ था। तो अब रैम कैसे एक्सपेंड करना है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसमें जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको रैम का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको टच कर देना है। उसके बाद आपको कितना रैम एक्सपेंड करना है, 2 GB करना है, 3 GB करना है, 5 GB करना है, यहाँ से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो एंड आपका रैम बढ़ चुका है।
तो चलिए बात करते हैं इसके सिक्योरिटी फीचर्स की। तो इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर को पावर बटन में प्लेस किया गया है, जो कि काफी हद तक एक्यूरेट है और मैं बोलूंगा कि रिस्पॉन्सिव भी है। एक बार जब मैं देखिए, सर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक बार में ये अनलॉक कर देता है। फेस अनलॉक भी इसका ठीक ठाक काम करता है, बहुत फास्ट में नहीं बोलूंगा लेकिन अनलॉक कर देता है। अब अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मीडियाटेक हीलियो G96 का चिपसेट दिया गया है, जो कि गेम्स को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। चाहे इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लो, BGMI खेल लो, फ्री फायर खेल लो, एसफाल खेल लो, फ्री फायर मैक्स खेल लो, ये सारे गेम्स को काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन हीटिंग इशू हमें देखने को मिलता है जब आप 50 मिनट से ज्यादा गेम खेल लेते हो तो फोन थोड़ा हीट करना शुरू कर देता है। यूजुअली हर स्मार्टफोन्स में होता है, लेकिन इतने देर में आप 3 बैटल रॉयल मैच कंप्लीट कर चुके होंगे। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में एज सच कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला है रियलमी नार्जो 50 में। तो चलिए बात करते हैं इसके कैमरा परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक काम करता है। बहुत ज्यादा मैं वाव नहीं बोलूंगा कैमरा परफॉर्मेंस में। बाकी जो दो कैमरा यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों कैमरा 2 मेगापिक्सल का, एक तो मैक्रो लेंस है और दूसरा डेप्थ सेंसर है। वाइड एंगल लेंस मिसिंग है इसमें, जो कि थोड़ा सा डाउन साइड है, क्योंकि आजकल लगभग सारे स्मार्टफोन्स में आपको वाइड एंगल लेंस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें मिसिंग है, जो कि लोगों को चाहिए होता है वाइड लेंस, तो इसमें वो चीज नहीं है। वहीं अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि काफी अच्छा काम करता है। मैंने इसमें जूम कॉल्स रन किए हैं और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी मुझे पिक्चर क्वालिटी में या वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं दिखी इसके सेल्फी कैमरा में। वहीं अगर ओवरऑल रियर कैमरा की बात करें तो और बेटर किया जा सकता था इसको, और जो कलर एक्यूरेसी की बात करूं तो वो थोड़ा सा आउट है नेचुरल से। और डिस्प्ले में तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसको डेस्कटॉप पे लेके आते हो तो कलर फेड हो जाते हैं, वो कलर नहीं मिल पाते हैं जो कि कैमरा से मिलना चाहिए। सो ओवरऑल कैमरा वाइज मैं बोलूंगा कि डिसेंट इनफ है, बहुत वाव नहीं है, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और ये रहे कुछ सैंपल्स, आप देखिए और डिसाइड करिए कि आपको इसका कैमरा क्वालिटी कैसा लग रहा है। तो आते हैं कंक्लूजन पे कि ये स्मार्टफोन कैसा है, कि आपको कंसीडर करना चाहिए नहीं चाहिए, किससे कॉम्पीट करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे कॉम्पीट करने वाला है मोटोरोला G51 5G स्मार्टफोन से, साथ ही साथ शाओमी के रेडमी नोट 10T से, जो कि 5G स्मार्टफोन है। और यहाँ पे जो नार्जो 50 है, ये एक आपको मैं बोलूं तो 4G स्मार्टफोन है, जो कि यहाँ पे इसके लिए बहुत ही एक बड़ा डाउनसाइड हो जाता है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पैकेज वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा है, परफॉर्मेंस इन तीनों स्मार्टफोन्स का जो है वो लगभग सिमिलर है। तो आप देख लीजिए कि आपको मोटो का फोन लेना है, Xiaomi का फोन लेना है या Realme का लेना है। ऐसे तीनों स्मार्टफोन इस कैटेगरी में बहुत ही सही हैं, लेकिन इसलिए डाउनसाइड जो मैं बोलूंगा कि 4G वाला है वो है। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा।